हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 20 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी न्यूज़ डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है, वो है अन अकेडमी की तरफ से। देखो, अन अकेडमी पे जो लाइव क्लासेज हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करो, चाहे SSC हो, चाहे CDS हो, चाहे UPSC हो, चाहे MPPSC या कोई भी एग्जाम हो, अगर आप वहाँ पे किसी भी तरह के कोर्स को ज्वाइन करते हो, इसमें आपको काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स हैं वो दूर किए जाएंगे। डाउट्स क्लास भी चलाई जाती हैं और इसी के साथ लाइव क्लासेज रहती हैं, तो आप टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पूछ सकते हो और आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी चल रही है। GS की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और बाकी और भी सारी जो फैकल्टीज़ हैं आप किसी भी टीचर्स की क्लास यहाँ पे देख सकते हो। इवन मेरे भी इन्वायरमेंट के बारे में लेक्चर्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पे लाइव क्लासेज को लेके। इसी के साथ ही पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इन सब टॉपिक के बारे में भी लाइव क्लासें वो स्टार्ट की जानी हैं जल्द ही। और बाकी टीचर्स हैं उन फैकल्टी के भी आप यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो। आप यहाँ पे जो रेफ़ल कोड है Devinder Singh 27, इसको यूज़ करते हुए 10% डिस्काउंट है वो अचीव कर सकते हो। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। अब चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। देखो, आज जो पहला आर्टिकल आया है वो है अटलांटिक मेरिडियल और टर्निंग सर्कुलेशन के बारे में। तो क्या है ये AMOC, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं, तब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर है वो हो जाएगी। देखो, बेसिकली एक फिनोमिना है, इसमें होता क्या है कि ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशन। इस ओशन में क्या होता है, देखो कि ये जो इक्वेटर वाला एरिया होगा ना, यहाँ पे इस वाले एरिया से आपको पता है यहाँ पे पानी गर्म हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि इक्वेटर पे तो पानी गर्म होगा यहाँ पे। अब ये पानी क्या है कि धीरे धीरे इस साइड, मतलब नॉर्थ की तरफ मूव करता है, नॉर्थन साइड है वो, धीरे धीरे चलता है इस साइड। अब इधर ये पानी जो जो जाता है, तो आप खुद जानोगे कि पोल की तरफ पानी जाएगा तो ठंडा होने लग जाएगा, और इसी के साथ जो पानी है वो गर्म था यहाँ पे, वो कुछ पानी वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाना शुरू हो जाएगा। अब एक पानी अगर वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा कुछ पानी, तो ऑब्वियसली पानी में जो नमक की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और इसी के साथ ये पानी यहाँ पे उसने इस वाले एरिया में पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा ही। अब ये पानी यहाँ पे ठंडा होगा तो ऑब्वियसली नमक की मात्रा ज़्यादा है, मतलब सैलिनिटी ज़्यादा है, और पानी भी हेवी हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से पानी क्या है कि नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि समुद्र के पेंदे की तरफ ये पानी अग्रसर हो जाता है, भारी है तो नीचे की तरफ। अब जो ही ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर आपको पता है कि नीचे की तरफ से वापस जो पानी का फ्लो है वो इक्वेटर की साइड होता है, तो वो पानी इक्वेटर की साइड है वापस फ्लो इधर से होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे वापस जो ही पानी आएगा तो गर्म होना शुरू हो जाएगा, इक्वेटर की साइड आएगा। तो अब ये पानी नीचे ही अगर गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे क्या है, पानी वापस ऊपर उठेगा यहाँ पे, मतलब इक्वेटर पे पानी अपवेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, उसके हेल्प से पानी ऊपर आएगा और ये साइकिल वो कंप्लीट होता रहेगा। ये बेसिकली एक साइकिल होता है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अटलांटिक मेरिडियन ओवरहीटिंग सर्कुलेशन के बारे में। अभी देखो, न्यूज़ ये आई थी कि ये जो सर्कुलेशन का जो सिस्टम है ना, ये भी कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसके काफ़ी सारे इफेक्ट हैं वो यूरोप वाली कंट्रीज़ पे देखने को मिल रहे हैं, और इवन इसका कुछ इफेक्ट है वो इंडियन ओशन पे भी इसका इफेक्ट है वो आ रहा है, इसी को लेके न्यूज़ है वो आई है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सेम वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो समुद्र की धाराएं हैं वो उनका एक सिस्टम है। होता क्या है कि अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक की तरफ क्या होता है, जो गर्म पानी है वो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो पानी है वो एटमॉस्फेयर की तरफ वेपर की फॉर्म में चला जाता है, और अगर पानी ठंडा हो जाता है वो नीचे चला जाता है। अब देखो, पानी अगर यहाँ पे ठंडा हो रहा है तो वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो भी कार्बन वगैरह है इनको एब्जॉर्ब भी करता है, तो एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी है वो होता है। ये था सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये कमज़ोर पड़ रहा है तो इससे क्या दिक्कत है वो भी हम यहाँ पे आगे देखते हैं, और इसके क्या क्या, मतलब किस तरीके से आगे काम है वो करता है। जैसा देखो मैंने आपको बताया कि पानी भारी होने के बाद नीचे चला जाता है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे, मतलब वापस एक तरीके से आप बोलोगे तो साउथ की साइड या इक्वेटर की तरफ आने लगता है, और फिर अपवेलिंग के कॉन्सेप्ट की हेल्प से वापस पानी ऊपर आता है। एक वो साइकिल था जो हमारा पूरा है वो हो जाता है। ये बेसिकली यहाँ पे था। अब देखो, बात ऐसी है कि इसकी वजह से जो हमारा, हम बात करें इंडियन ओशन है, उसके ऊपर भी इफेक्ट है वो आ रहा है। देखो, इंडियन ओशन में क्या होता है कि पानी, एक मैप पे चलते हैं, यहाँ पे इस वाले हिस्से में अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा। देखो, आपको पता है कि बारिश होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो होती हैं, एक तो गर्मी होनी चाहिए अच्छी खासी, दूसरा पानी के सोर्सेज होने चाहिए। अगर इंडियन ओशन वाले एरिया में गर्मी अच्छी खासी हो रही है तो क्या होगा, बारिश अच्छी खासी होगी,
अब आप जानते हो कि बारिश अच्छी खासी होगी, तो ऊपर क्या होगा वातावरण में, वातावरण में ये चीज़ होने आएगी कि यहाँ पे जलवाष्प या ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी इंडियन ओशियन में, तो ये क्या करेगा, आसपास के एरिया से ह्यूमिडिटी को, आप बोलोगे एक तरीके से जलवाष्प को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, इधर चारों तरफ से खींचना शुरू करेगा। तो इससे क्या होता है, इस वाले एरिया में तो बारिश की मात्रा बढ़ जाती है और अच्छा खासा पानी है, आप बोल सकते हो बारिश होने शुरू हो जाती है, जबकि इस वाले एरिया की जो जलवाष्प ह्यूमिडिटी है वो इधर खींची चली जाती है, तो इसलिए यहाँ पे साइकिल है वो कमजोर हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका इफेक्ट था जो हमने यहाँ पे देखा है। और देखो यहाँ पे मेंशन की गई है कि हिंद महासागर में गर्म होने की वजह से क्या होता है, बारिश बढ़ती है, और इसलिए जो एटलांटिक ओशन की तरफ से जो हवा है वो इधर खींची चली जाती है इंडियन ओशन की तरफ। इससे होगा क्या, इंडियन ओशन में अच्छी खासी बारिश होगी, तो यहाँ पे तो क्या देखो फ्रेश वाटर मिलेगा ज़्यादा, अगर फ्रेश वाटर समुद्र में मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, सैलिनिटी कम होनी शुरू हो जाएगी इस वाले बेल्ट में, और यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा नहीं क्योंकि बारिश होगी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी क्योंकि पानी तो वेपोराइजेशन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो ये यहाँ पे इसका इफेक्ट है वो आ रहा है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट न्यूज़ में है तो आप इसको भी बारे में ध्यान है वो रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है जोनल काउंसिल को लेके। देखो जोनल काउंसिल है ना, ये बेसिकली कंटेक्स्ट इनका ये था कि अभी इनकी मीटिंग है वो ही है, तो देखो मीटिंग तो इनकी हर साल होती रहती है, वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पहली बात है कि जोनल काउंसिल्स हैं वो एक स्टेचुरी बॉडी हैं जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना था 1956, देखो आज़ादी के बाद जो काफ़ी सारे स्टेट थे उनमें डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई बाउंड्री वगैरह को लेके अलग अलग स्टेट की मांग उठ रही थी, तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और उसके तहत अलग अलग स्टेट है वो मेनली बनाए गए थे, यानी काफ़ी सारे स्टेट्स की बाउंड्री चेंज है वो की गई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि जोनल काउंसिल है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपको यूपीएससी यहाँ पे कन्फ्यूज है वो कर सकती है। इसी के साथ जोनल काउंसिल का काम क्या होता है, एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी होती हैं, ये सलाह देती हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि इनकी सलाह मानना गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है। अब जोनल काउंसिल का और एम क्या है, इनका देखो सीधा सीधा सबसे अच्छा जो मोटो है वो इनका यही है कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना। देखो स्टेट अगर आपस में अपने नियर बाय स्टेट के साथ अच्छे लिंक बना के रखेगा तो उससे स्टेट को काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी पॉलिसी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, चैलेंजर्स को निपट सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट है वो होते हैं। इसी के साथ ही सेंटर और स्टेट हैं वो भी आपस में कोऑपरेट करेंगे और आपस में आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज किए जा सकेंगे, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया जा सकेगा। तो ये होते हैं जोनल काउंसिल के बेनिफिट। अब बात ऐसी है कि हमारे देश में 5 जोनल काउंसिल हैं, ये ध्यान रखना, एक तो है नॉर्थ, एक साउथ, एक है ईस्ट और एक है वेस्ट और एक है सेंटर, ये सेंटर वाले जो स्टेट ना बीच वाले उनके लिए। अब देखो कौन से में कौन कौन सा स्टेट आता है ये तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पीसीएस वगैरह में फिर भी आ सकता है पर्टिकुलर स्टेट के भाई कौन से जोनल में है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, जो 7 स्टेट हैं जिन्हें अपना आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड, इनके लिए अलग से जोनल काउंसिल एक्ट बनाया गया था 1972 में, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972। तो ये आप ध्यान रखना कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें आपस में कोऑपरेशन के लिए अलग से एक्ट है वो बनाया गया था। देखो इसका रीज़न ये था कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनका कल्चर है, उनकी आप बोल सकते हो कि वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, इसीलिए उनको अलग से ही आपस में वो कोऑर्डिनेशन है वो रखा गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं ये सारे, इनमें आपस में काफ़ी सारी सिमिलरिटी हैं, और मेनली जो सारे स्टेट हैं वो आसाम से ही बने हुए हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले एक ही यहाँ पे मेन स्टेट था वो आसाम ही था, इसके बाद में धीरे धीरे आसाम से ही बना के बाकी इन स्टेट्स को डेवलप है वो किया गया था, तो इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। अब हम आगे ये देखते हैं कि जोनल काउंसिल है इसका कंपोजिशन क्या क्या है। देखो जोनल काउंसिल के एक चेयरपर्सन होते हैं जब मीटिंग होती है तो, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे होम मिनिस्टर, यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, जो भी काउंसिल होती है उसके, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो चाहे नॉर्थ हो साउथ हो कोई सी भी काउंसिल हो। अब हम बात करते हैं वाइस चेयरमैन की। देखो वाइस चेयरमैन का सीन ऐसा होता है कि जो स्टेट के सीएम होते हैं ना वो वाइस चेयरमैन होते हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई कौन से स्टेट के सीएम होंगे, तो ये देखो रोटेशन बेस्ड पे होता है कि जैसे कि इस बार ये मान लो कि नॉर्थन काउंसिल है, नॉर्थ जोन काउंसिल है, तो इसमें ये मान लो कि इस बार हरियाणा के बन गए सीएम वाइस चेयरमैन, अगली बार दिल्ली से बन जाएंगे, अगली बार राजस्थान से, इस तरीके से रोटेट होके चलते रहते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ये होता है और 1 साल के लिए इनका टाइम पीरियड है वो होता है। अब हम बात करें मेंबर की। देखो जोनल काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो होते हैं एक तो चीफ मिनिस्टर और इसी के साथ ही स्टेट के 2 मिनिस्टर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और इनको जो नॉमिनेट करने का काम है चीफ मिनिस्टर सॉरी मिनिस्टर्स को कि कौन से मिनिस्टर इसमें शामिल होंगे,
ये काम होता है बेसिकली गवर्नर का, कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं कि भाई कौन से मिनिस्टर को इसमें मेंबर के तौर पे अपॉइंट है वो करना है। अब बात करें अगर यूनियन टेरेटरी है तो वहाँ पे जो दो मेंबर होंगे उनको बेसिकली गवर्नर है वहाँ पे, जो डिप्टी गवर्नर है वो अपॉइंट है वहाँ पे कर देंगे। अब देखो यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं ना, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये जोनल काउंसिल के अंदर काफ़ी एक तरीके से कोलाबरेट करते हैं और इसी के साथ में पार्टिसिपेट करके जो भी इश्यूज होते हैं उनको निपटाने की कोशिश है वो करते हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी हो जाता है कई बार। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को लेके। देखो अभी आपको बताया कि जो गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इस मौके पे गवर्नमेंट का जो 2014 में कैंपेन चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान, इसके तहत गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे जो काम किए हैं, बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाने की इस बात है वो कही है, जो कि बेसिकली बनाई जाएगी कहाँ पे, वर्धा में। अब ये यूनिवर्सिटी क्या काम करेगी वो हम देखते हैं। देखो इस यूनिवर्सिटी का फोकस रहेगा सैनिटेशन, क्लीननेस और इन्वायरमेंट पे, यानी कि किस तरीके से हम सैनिटेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्लीननेस या साफ सफाई को लेकर हम क्या क्या नए स्टेप उठा सकते हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए कई सी मैकेनिज्म्स हैं उनका यूज है वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च स्टडीज तैयार करेगी सैनिटेशन, क्लीननेस और इन्वायरमेंट के लिए। इसमें देखो जो 7 मेंबर्स हैं उनकी कमेटी होगी, जिसके जो हेड होंगे वो वहाँ के होंगे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में सेटअप है वो की जा रही है। ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में सेटअप की जा रही है, बस इतना ही है। होगा क्या वो हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में गवर्नमेंट का जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको काफ़ी प्रशंसा की जा रही है, तो इसी नज़र में स्टेप है वो उठाए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एसेसिबल इंडिया कैंपेन। देखो एसेसिबल इंडिया कैंपेन है वो हमारे देश में जो दिव्यांग पर्सन है उनके लिए कैंपेन है वो स्टार्ट है वो किया गया है। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके अंतर आता है, उसके द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इस प्रोग्राम का देखो मोटो बहुत सिंपल है, इसका मोटो ये है कि भाई हमारे देश में जो भी दिव्यांग पर्सन्स हैं उनको लेके एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि उनको ऐसा अलग से फील नहीं हो कि यार हम लोग डिसेबल्ड हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब एक तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऐसे डेवलप किया जाए कि जो दिव्यांग पर्सन है वो उनका बेनिफिट उठा सकें, कोई भी उनके लिए बैरियर उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि ये मान लो कि कोई भी दिव्यांग पर्सन बैंक में जा रहा है तो उसको लाइन वाइन का पता नहीं है वहाँ पे किस तरीके से फॉर्म वगैरह, तो वहाँ पे उनकी हेल्प है वो की जा सके, एक तरीके से उनको चढ़ने के लिए जैसे कि उनके लिए अलग से जो एलिवेटर वगैरह है वो डेवलप किया जाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से हो बस वगैरह में चढ़ने के लिए कि उनको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं इनको तैयार करने के लिए स्टेप उठाया गया है, ये पूरा कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया है। अब देखो ये जो कैंपेन है इसका मोटो क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि देखो हमारे संविधान की जो फंडामेंटल राइट है वो खुद ये कहते हैं कि सभी लोग हैं वो इक्वल हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब दिव्यांग पर्सन अगर किसी एरिया में डिसेबल्ड हैं तो ऐसा थोड़ी कि उनको आप अवॉइड कर दोगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी रखना भी जरूरी है। इसी के साथ ही उनके लिए ग्रोथ और जो हम बात करें डेवलपमेंट है वो भी बहुत जरूरी है, तो इसी के लिए भी गवर्नमेंट सेफ और उनके लिए अच्छा माहौल है वो तैयार करने की तरफ स्टेप उठा रही है। अब देखो ये जो मिशन है एसेसिबल इंडिया कैंपेन, इसके टारगेट क्या हैं? देखो इसके टारगेट गवर्नमेंट के इस प्रकार रखे गए हैं कि भाई हमारे देश के जो 25 से 50 के आसपास जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है कि भाई जहाँ पे सब लोगों का या काफ़ी लोगों का आना जाना होता है 20 से 50 के आसपास, उनमें ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए कि भाई इन लोग इजीली एक्सेस कर सकें, वहाँ पे ऑडिट होनी चाहिए इस चीज़ के लेके कि भाई इन लोगों के लिए एसेसेबल है या नहीं है, फुली एसेसेबल सिस्टम उनके लिए होना चाहिए इस साल के एंड तक। इसी के साथ एक टारगेट ये भी था कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाले, मतलब कि दिल्ली एनसीआर वाला जो वाला एरिया है, इसमें जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है एटलीस्ट 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि भाई डिसेबल्ड पर्सन है वहाँ पे इजीली एक्सेस या दिव्यांग पर्सन है वो वहाँ पे एक्सेस कर सके, आप इजीली उनको ये चीज़ की सुविधा मिल सके। इसी के साथ ही एक टारगेट ये भी है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इनकी कम्प्लीटली एसेसिबल ऑडिटिंग है वो होनी चाहिए और उनको फुली एसेसिबल तौर पे डेवलप है वो करना है, और गवर्नमेंट 2019 तक ये टारगेट को अचीव करने की तरफ फोकस है वो कर रही है। तो ये इसके टारगेट हैं, मतलब आपको समझ में आया। अगर एक बात या एक वर्ड में बोलूँ
तो एसेसेबल इंडिया कैंपेन का टारगेट यह है कि जो दिव्यांग पर्सन्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल आना चाहिए कि ताकि वो लोग हर सुविधाओं का आराम से बेनिफिट उठा सकें। अब जैसे मान लो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाती किसी भी दिव्यांग पर्सन से, तो उसके लिए या तो लिफ्ट की सुविधा अवेलेबल हो या फिर उसके लिए अलग से एलिवेटर वगैरह बना हुआ हो ताकि वो आराम से उन सुविधा का बेनिफिट उठा सकें। अब देखो, ये जो एसेसेबल इंडिया कैंपेन है ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसके आर्टिकल 9 को इंडिया ने रेक्टिफाई या साइन किया हुआ है 2007 में, और उसी को कंप्लीट या उसी टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप फैक्ट ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। देखो, अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी 63rd जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है वियना में। अब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बॉडी, तो बॉडी के बारे में हम देखते हैं। देखो, इस बॉडी को सेटअप किया गया था एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे 1957 में, और बेसिकली यूनाइटेड नेशन फैमिली के द्वारा यानी UN की सहमति के बाद इसको सेटअप है वो किया गया था। और ये जो बॉडी है वो अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उन दोनों को सबमिट है वो करती है। तो ये आप ध्यान में रखना, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया की वियना सिटी में है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भाई जो सेफ सिक्योर और पीसफुल टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर, इसको प्रमोट किया जाए, यानी कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है इसको प्रमोट इस तरीके से किया जाए इसका सेफली यूज हो, सिक्योर हाथों में रहे और पीसफुल काम में उसका यूज हो, ना कि टेररिज्म वगैरह के तौर पे। इसी के साथ ही इसका एक टारगेट ये भी है कि जो भी कोई भी वेपन्स है अगर वो मिलिट्री पर्पज़ वगैरह के लिए यूज हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी ध्यान रखा जाए पीसफुल यूज़ के लिए मिलिट्री हो, ऐसा नहीं है कि आप डराने धमकाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज है वो कर रहे हो। तो ये बेसिकली इसके मेन टारगेट्स हैं, मेन एम फंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है वो आई है अंडरग्राउंड कोयल गैसिफिकेशन के बारे में। है क्या? देखो, ये सीधी सी बात बताऊँ कि कोयले को गैस में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट है, कोयले को गैस में कन्वर्ट कराया गया, कोयले का गैसीकरण होता क्या है इसमें? जो भी हमारे आप एक तरह से बोल सकते हो कि अर्थ के अंदर जो भी कोयला वगैरह पाया जा रहा है उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की एक नई टेक्निक है। इस टेक्निक में होता क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। इस टेक्निक में देखो ये होता है कि जैसे यहाँ ये आप देख लो कि ये अर्थ होगी, अर्थ की क्रस्ट आपको दिख रही है, एक सेकंड लाइट, हाँ ये होगी यहाँ पे अर्थ की क्रस्ट, और एक साइड से इधर से ड्रिलिंग की जाती है और एक साइड इधर से, दो साइड से ड्रिलिंग की जाती है और नीचे यहाँ पे कोयला जहाँ पाया जा रहा है उस वाले एरिया में। अब होता क्या है, इधर जैसे एक साइड ड्रिल इधर कर दी और एक साइड ड्रिल इधर कर दी, एक ये वाला हिस्सा है, एग्जाम्पल ले लो आपसे, इस वाले हिस्से में क्या किया जाता है कि जो गर्म पानी है वो और इसी के साथ कुछ केमिकल्स हैं वो डाले जाते हैं इधर से। अब होता क्या है कि वो गर्म पानी और जो केमिकल्स हैं वो यहाँ पे कोयले के साथ रिएक्शन करके इसको गैस में कन्वर्ट है वो कर देते हैं। अब वो गैस जो यहाँ पे बनेगी वो गैस क्या करेगी, इधर से बाहर निकलेगी प्रेशर के फॉर्म में और उसको स्टोर है फिर वो कर लिया जाता है। और फिर इस गैस में जो खतरनाक चीज़ें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसी के साथ ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, मीथेन हुई, हाइड्रोजन, इनको अलग अलग कर लिया जाता है। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें। अब फिर यहाँ पे नीचे क्या बचती है, राख बचती है जिसका आप मतलब वो क्या है कि इन्वायरमेंट में बाहर नहीं निकलती, अंदर की अंदर ही राख रह जाती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल वे में समझा दिया, वो चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि इसमें एक साइड से ऑक्सीजन और जो स्टीम है उसको पंप किया जाता है बोरवेल में, और फिर दूसरी साइड क्या होता है वहाँ पे सॉलिड जो गैस वो सॉरी कोयला होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उस बाद में उस कोयले से CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको अलग अलग निकाल के यूज किया जाता है। तो ये एक नई प्रोसीजर है, ये वर्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।